तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये बाबूराव का स्टाइल है। चक्कर ये है कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबवे में। आप लोग सोच रहे होंगे यार तो सबवे में मैं क्या कर रहा हूँ, तो यार इसकी छोटी सी स्टोरी है जो कि मैंने आपको सुनाना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार चक्कर ये है कि सबवे में मेरी जॉब लगी थी, तो आज मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं सबवे में काम कर रहा हूँ, तो फुल टाइम काम करता हूँ, तो 8-9 घंटे ड्यूटी होती है। तो आज आपको डेली रूटीन बताऊँगा सफ़े में क्या कुछ होता है और हम कैसे अपना दिन गुजारते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं अभी हूँ किचन वाली साइड पे, तो जैसे मैं नीचे जाऊँगा ऑर्डर लेने, जहाँ पे कस्टमर वगैरह आते हैं ऑर्डर शर्डर देते लेते हैं, वहाँ पे मैं जाऊँगा, तो आपको वहाँ पे बाकी जो लाइफ है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यार कल मैंने इंट्रो लिया था, तो आज नया दिन है, तो कल रश बहुत ज़्यादा था सबवे में, तो वीडियो नहीं बना सका। आज मैं ओपनिंग करने वाला हूँ खुद सबवे की, अभी तक कोई बंदा नहीं आया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? लेट हो गया है, तो चाबी मेरे पास नहीं है, मैं बाहर खड़ा हूँ। ये सबवे के बाहर हूँ मैं, देख सकते हैं आप। तो मैं जाता हूँ अंदर, देखते हैं क्या कुछ माहौल है। आप चाचा जी हैं, उनसे भी गपशप कराएंगे। और अभी हम चाबी का वेट करने वाले हैं, लड़के नहीं आए अब तक। ये हमारे चाचा जी हैं, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह। ठीक है बेटे, गर्मी तो नहीं आज? आपका नाम क्या है? अखलाक अहमद। ये सबवे में ड्यूटी करते हैं, क्या बात है, बहुत अच्छे और नाइस पर्सन है। अभी वेट करते हैं, कोई लड़का आता है चाबी लेके, तो उनसे चाबी लेके ओपनिंग करेंगे सबवे। ये हमारे मोमिन भाई आए हैं, पतली चाबी है इनके पास। अस्सलाम वालेकुम, वेट करो। ए चुप है, कौन ही रहा, चाबी है ही कौन ही। तो यार अभी चक्कर ये है कि मैं और मोमिन वेट कर रहे हैं, चाबी जब आएगी दोस्त। तो व्यूअर्स फाइनली चाबी आ चुकी है, तो अभी जाके ओपनिंग करता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और बाकी जो सेटिंग वगैरह करके आपको मिलते हैं सही प्रॉपर माहौल में। ये तो व्यूअर्स अभी हम आ चुके हैं सबवे में, तो ये चेक कर सकते हैं आप क्या खूबसूरत माहौल है सबवे का। छोटा सा एरिया है ये चेक करें लोगो सबवे का, छोटा सा प्यारा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है। बाकी अभी ओपनिंग कंपनी करनी है और ये बाकी चीज़ें रखनी है। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई दानियाल भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटे? यार बड़ा इंतज़ार किया साढ़े आप, क्या क्या कुछ होता है। तो गाइस इस सबवे में सबसे बड़ी हमें जो सहूलत है वो है ये लिफ्ट। हमारे जो किचन है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, हम सामान अपना लाते हैं ऊपर से लिफ्ट के ज़रिए। ये तो गाइस अभी यार सब कुछ रेडी हो चुका है, चेक करें, और हर चीज़ हमने लगा दी है। तो अभी जानते हैं हमारे जो एक्सपर्ट हैं यहाँ के दानियाल भाई, मैं तो अभी नया नया हूँ तो इनको ज़्यादा पता होगा। ऑर्डर आपने यहाँ पे करना होता है ये ऑर्डर, और ये जो है पिकअप आपने यहाँ से करना होता है। सबसे पहले कस्टमर यहाँ से आता है, सीधा यहाँ पर जाएगा दानियाल भाई के पास, ठीक है, एक्सपर्ट बने हैं यहाँ के, तो वहाँ से वो सबसे पहले अपनी ब्रेड चूज़ करेगा। बल्कि ये आपकी ज़बान में सुनना चाहता हूँ, कस्टमर कैसे आता है, क्या कुछ होता है। सबसे पहले जैसे भी कस्टमर आता है, हमारी पहली जो खुशी होती है वो कस्टमर को वेलकम करते हैं, ठीक है। कस्टमर से पूछते हैं कि आप ब्रेड में क्या लाइक है। हमारे पास 5 किस्म की ब्रेड होती है, उसमें मेन्यू में आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाता है चिकन में, चिकन में हमारे पास चिकन टिक्का आ जाता है, ये बिल्कुल लाइट स्पाइसी हो जाता है। फजीता आ जाएगा लिटिल बिट स्पाइसी, चिकन बारबेक्यू आ जाएगा स्वीट एंड स्मोकी, चिकन थरियाकी आ जाएगा स्वीट एंड जूसी, चिकन पेरी पेरी टॉप ऑफ द बेस्ट चिकन ऑफ सबवे स्पाइसी, चिकन तंदूरी सेम एज इट इज़ स्पाइसी। फिर आते हैं हम बीफ में, हमारे पास आ जाएगा पेपरोनी, मिलती जुलती है इससे भी सलामी सलामी। इसके अलावा हमारे पास एक बर्ड होता है टर्की ब्रेस्ट, आपको पता होगा, ये मैंने सुना है शीतर मुर्गा होता है, शीतर मुर्गा होता है, सही है। टर्की ब्रेस्ट बाद हमारे पास जो सबसे टॉप ऑफ द बेस्ट सैंडविच है, जिसके लाइक फॉरनर्स बहुत ज़्यादा डिमांड, यूके वाले आ जाता है ट्यूना, ट्यूना आपको पता है ट्यूना फिश होती है, क्या बात, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास बीफ में एक और है स्टेक, ये बीफ ही होता है स्टेक इन चीज़,
ठीक है। इसके अलावा हमारे पास चिकन में आ जाता है, हमारे पास चिकन चपली और साथ ही मुगलाई है। ये थोड़ी लिटिल बिट स्पाइसी होती है, थोड़ी ये मोर स्पाइसी होती है। पर स्वीट कॉर्न है, ओलिव्स हैं, इसके अलावा एलिपिनोज हैं और पिकल्स हैं। हमारे पास सॉसेज आ जाती हैं। सॉसेज में ये मेन्यू में आपको लिस्ट नज़र आ रही होगी, बाकी अगर आपको मैं गाइड कर लूँ तो हमारे पास कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ में भी ये टू फ्लेवर होते हैं, ये मिल जाएगा आपको चॉकलेट चिप, ठीक है, ये तो ये डबल चॉकलेट होगी। वैसे इसकी क्या एक प्राइस है? वैसे जो एक कुकी है इसकी प्राइस 220 की है। अगर हम आपको मील में दें, हमारे पास एक मील होती है, मील का पोर्शन होता है, उसमें एक कुकी और एक ड्रिंक आपको 260 में मिल जाएगा। आपको याद हो मैंने बताया था कि ये जो हमारे पास चिकन चपली है और मुगलाई है, ये चिकन होता है, इसमें आपको 6 पीस मिल जाएगा 580 का। ये लोएस्ट हमारे पास प्राइस शुरू होती है। अगर हम बात करें सबसे टॉप ऑफ दी लाइक एक्सपेंसिव की, तो हमारे पास ये ट्यूना फिश होती है, उसका जो एक सैंडविच है वो मिल जाएगा आपको 1180 का 6 इंच। अपने से कोई चीज़ भी ऐड नहीं कर सकते, कस्टमर खुद बोले, कस्टमर जो कस्टमर बोलेगा वो हम ऐड करेंगे। अभी सबे इज द नेम ऑफ कस्टमर नेम। तो जी गाइस, अभी चेक कर रही है कि ये है हमारे शहबाज भाई मैनेजर जो हैं जी सबवे के, ठीक है। तो नाइस टू मीट यू। तो ये एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं, क्या चीज़ नई आई है? हमारे पास एक छोटू साहब होता था बर्गर, वो ख़त्म हो गए, अब उसकी जगह आया मिनी साहब। इसकी प्राइस 360 रुपीज़ है और इसको बनाने का तरीका क्या है मैं उसकी रेसिपी बताऊँगा। ठीक है, सबसे पहले आपने बैठ लेंगे, ठीक है। ये 6 इंच साइज है, ये हमने कटिंग कर ली ब्रेड ने, क्या करना है इसको कट करना है। कट करने के बाद इस पर हमने पैटी ऐड करनी है, फिर हमने इसको टोस्ट करना है। टोस्ट करने के बाद इसे ऐड करनी है, 1 टमाटो का स्लाइस ऐड करना है, इसमें 2 क्यूकम्बर्स ऐड करने हैं एंड मायोनीज ऐड। हमारा ये मिनी सॉस जो है वो रेडी है। Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like. अभी हमें लगी है भूख, तभी हमने ली है रोटियां तंदूर से, तो अभी हम जा रहे हैं अपने खेमे में खाने के लिए।